आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बंद गोभी यानी पत्ता गोभी में कोई अजीब तरह का कीड़ा होता है जो हमारे दिमाग में घुस जाता है। ये कीड़ा दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा भयंकर होता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि पत्ता गोभी आपको बीमार बना सकता है? पत्ता गोभी से शरीर में ऐसे कीड़े पहुंच जाते हैं जो आपको गंभीर बीमारियों के आगोश में ढकेल सकते हैं। ये हमारा कहना नहीं है बल्कि ऐसा डॉक्टर्स मानते हैं। पत्ता गोभी के कीड़े अगर आपके शरीर में प्रवेश कर जाएं तो आपको दौरे पड़ने की बीमारी भी हो सकती है और तरह तरह के रोग भी बन जाते हैं। ये पत्ता गोभी थोड़ा सा खतरनाक है। आपको बता दें कि ये कोई अफवाह नहीं है बल्कि एक जाने माने अखबार राजस्थान पत्रिका में इस पर पूरा लेख भी छप चुका है। अखबार के मुताबिक डॉक्टर्स ने ऐसे कई मामलों को पाया है जिसमें रोगी के अंदर पत्ता गोभी का कीड़ा पाया गया और उनकी जान पर बन आई। तो आइए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आखिर वो कौन से दो केस हैं जिनमें पत्ता गोभी का कीड़ा डिटेक्ट किया गया। केस नंबर 1, लश्कर क्षेत्र के 23 साल के रामपाल, जो कि बदला हुआ नाम है, उनको पत्ता गोभी खाने के बाद दौरे पड़ने लगे। जब उनको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उनकी जांच की गई। सीटी स्कैन करने पर पता चला कि रिपोर्ट में उनके दिमाग में पत्ता गोभी का कीड़ा पाया गया और बाद में उनका इलाज दिल्ली में कराया गया। केस नंबर 2, जिया मुरार की रहने वाली 10 साल की स्नेहा, जो कि बदला हुआ नाम है, भी इस बीमारी का शिकार हो गई थी। इनका इलाज चेन्नई में चला। बाद में लड़की को दौड़े पड़ना शुरू हो गए थे और डॉक्टर्स ने साफ कर दिया सीटी स्कैन करने के बाद कि इस लड़की के दिमाग में भी गोभी का कीड़ा घुस गया है। आपको बता दें कि ये कीड़ा ज्यादातर मांसाहार लोगों को ही लगता है। चलिए, अगर आप पत्ता गोभी खाते हैं तो आप कैसे पत्ता गोभी खा सकते हैं आपको बता दें। पत्ता गोभी को कच्चा खाना खतरनाक हो सकता है। इसको सब्जी के रूप में खाना खतरे की बात नहीं है। साथ ही बर्गर में लगाकर, सलाद के रूप में और अन्य तरीके से पत्ता गोभी को कच्चा खाना आज से ही संभल कर शुरू कर दीजिए। आज हेल्थ अलार्म में बस इतना ही। आगे भी आपको जरूरी जानकारी लाते रहेंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी के संबंध में अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ayurvedsamadhan@gmail.com। आयुर्वेद के ऐसे ही समाधानों के लिए और हमेशा स्वस्थ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आयुर्वेद समाधान